गिरता हूँ फिर अपने बाहों में थाम लो। हाँ हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हाँ हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कमर बना दिया देव, सच कहती हूँ तुम बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल अनोखे और निराले हो। आप बच के कहाँ जाएंगे कपला जी? और मैं जाइए तुझे भी तो डांस दिखाओ। रह जाए कल्पना। मैं नाच रही वरना जानते हैं स्टूडियो के बाहर भरी सभा में मैं इस तरह कभी नहीं नाचती। और भरी सभा में बिल्कुल तन्हा लग रही है, बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल अनोखी निराले। पहले कितना झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? सच कहता हूँ, जान से कहता हूँ। देखो मेरी तरफ, एक अजीब उदासी की खूबसूरत झलक दिख रही है इन आंखों में खींचा जा रहा हूँ। मैं एक उदास आंखों पे लिखूं, असीन चेहरा सोता हुआ है, खुले हुए बाल हैं क्यों परेशान, शगुफ्तगी की सदा के सदके इधर तुआ उदास क्यों। अच्छा एक वादा करो, कहो कि किया किया लेकिन मालूम हो कि क्या। आप एक और पिएंगे देव साहब? नहीं समय बहुत हो गया। आओ कल्पना तुम्हारे लिए कुछ, ये बिन पिए ही नशा है। नहीं मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, सुबह शूटिंग है और फिर मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इकट्ठे चलेंगे एक साथ, एक बात फिर मुझे घर छोड़कर नहीं चलिएगा। नहीं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, आज की शाम पर मेरा हक है।
अगर छोड़ना हुआ तो मैं ही आपको छोड़ने जाऊंगी और अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ये ठीक कह रही हैं देव। अच्छा सिमी, मुझे इजाजत दो। शाम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं सिमी, तुम बाहर आने की तकलीफ ना करो, मैं चली जाऊँ। लेकिन अपना शॉल तो लेते जाओ। बहुत हिम्मत करके मैंने एक वादा लेना चाहा था तुमसे, लेकिन खैर फिर कभी से अभी बात अधूरी रह गई, कभी पूरी करने जरूर आऊंगी। नंदा, तुम खफा तो नहीं होगी मुझसे? आपका नाम होगा, सारा शहर आपके गीत गाएगा, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? नंदा, न जाने क्यों जब तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे डर जैसी कोई चीज ही नहीं, वैसे तुम अकेले ही मेरी रक्षा के लिए काफी हो, इसीलिए डरता हूँ इस पार्टी को जाते हुए। तुम चलोगे मेरे साथ? ऐसी पार्टी में आपका अकेले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं अपने साथ एक अपने खास नजदीकी दोस्त, अपने साथ ही एक पड़ोसी को लेके आया हूँ, उनसे मिलिए। नहीं, अच्छा यही रहेगा कि आप जाएं और यहीं से मैं आपकी रक्षा की दुआएं मांगती हूँ। ये खाली गिलास जरूर रखा होगा। मत पिला मुझे आसमी, मैं कहीं बदतमीजी ना कर बैठूं। अच्छा लीजिए, एक घूंट मैं पी लेती हूँ इसमें से। देखिए ना कम हो गया है? नहीं बहुत काफी हो गया है सिमी। मैंने गिलास को होंठ लगाए हैं, आपको और भी मजा आएगा। जल्दी सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं बड़े जोरों का दर्द है नंदा। तो क्या पार्टी वालों ने इन्हीं कपड़ों के साथ सिला दिया? नंदा मेरा सर फट रहा है। जानते हैं दफ्तर पहुंचने का वक्त हुआ जा रहा है। आज दफ्तर नहीं जा रहा हूँ और कहने आया हूँ कि रास्ते में मेरे बॉस से बोलती जाना कि देव को बड़े जोरों का बुखार है और आज दफ्तर नहीं आ सकेगा। जी हाँ, मैं बोल दूंगी झूठ आपकी खातिर और हर शाम हर रात आपका इंतजार भी करती रहूंगी, इसलिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपका इंतजार करती रहूं। और हर शाम हर रात आप शराब के नशे में चूर आएंगे और मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको कमरे में ले जाकर आपके जूते उतारकर आपको बगैर खिला पिला बिस्तर पर लिटा दूंगी और अगले दिन फिर आपके सर में दर्द होगा, सर फटेगा, फिर मैं आपके बॉस को जाकर झूठ बोल दूंगी कि देव साहब को बड़े जोरों का बुखार है, वो दफ्तर नहीं आ सकते। कब तक ये चलेगा देव? देखो नंदा, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, नहीं छिपाऊंगा कि मैंने शराब पी और खूब मजे में पी और इतनी पी कि उसका नशा भी तक मुझ पर सवार है। नहीं छिपाऊंगा कि अब मुझे नहीं पीना है, इसलिए नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा सर घूमे, मुझे चक्कर आए, अब मुझे ये सब कुछ तुम्हें कहना पड़े और आंदा तुम्हें इंतजार भी नहीं कराऊंगा। और अगर घर वापस नहीं आना होगा तो कह के जाऊंगा कि नंदा मेरा इंतजार न करना, मैं वापस लौट के नहीं आ रहा हूँ। जो जी में आए कीजिए, आपको खुद ही छुट्टी है, आप एक बहुत बड़े माने हुए कवि हैं
आपकी और मेरी दुनिया का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। यही तो है जो मुझे तुमसे बांधे है।